नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे, जो संकट का दौर चल रहा है और इसमें जो सहायता दी जा रही सरकार की तरफ से, उसी से संबंधित ये आपका आर्टिकल है। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन एक गंभीर चुनौती के रूप में उभर रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अब तक विश्व के लगभग 190 देश इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। तकरीबन 5 लाख से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस की गंभीरता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसके कारण अब तक वैश्विक स्तर पर करीब 25,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और वैश्विक समाज के समक्ष मौजूद इस महामारी के कारण विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं को न केवल मानव पूंजी के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी वे धीरे धीरे संकट की ओर बढ़ रही है। भारत में भी ऐसी स्थिति गंभीर रूप धारण कर रही है। कोरोना वायरस के कारण अब तक देश में 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 900 लोगों इससे वायरस संक्रमित हो चुके हैं। 900 से अधिक लोग इससे भारत में संक्रमित हो चुके हैं और 20 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। दुनिया भर में इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकारें भिन्न भिन्न उपाय अपना रही हैं। भारत में भी इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है, जो इस दिशा में एक सराहनीय कदम के रूप में देखा जा रहा है। किंतु सरकार के इस निर्णय से भारत के एक बड़े वर्ग के समक्ष आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है और उन्हें दैनिक आधार पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति के मद्देनजर हाल ही में वित्त मंत्री आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दैनिक आधार पर चुनौती का सामना कर रहे लोगों और अर्थव्यवस्था को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आर्थिक उपायों की घोषणा की है, जिसमें कोरोना वायरस के प्रति संवेदनशील तकरीबन सभी वर्गों को शामिल किया गया है। इस आलेख में वित्त मंत्री द्वारा की गई विभिन्न घोषणाओं का विश्लेषण कर यह जानने का प्रयास किया गया कि सरकार द्वारा घोषित उपायों का अर्थव्यवस्था और आम जनमानस पर किस प्रकार का प्रभाव होगा, देशव्यापी लॉकडाउन का प्रभाव क्या होगा, पहले उसे देख लेते हैं। लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है। लॉकडाउन को एपिडमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लागू किया जाता है। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। इसे किसी आपदा के समय शासकीय रूप से लागू किया जाता है। इसके तहत लोगों से घर में रहने का आह्वान और अनुरोध किया जाता है। इसमें जरूरी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। कार्यालय, दुकानें, फैक्ट्रियां और परिवहन सुविधा सभी बंद कर दी जाती है। जहां संभव हो वहां कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा जाता है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहती हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भारत में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा को अनिवार्य कदम बताया। हालांकि कई लोगों ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और भारत के आर्थिक रूप से संवेदनशील वर्ग के प्रति चिंता जाहिर की है। भारत का जनसंख्या घनत्व और देश में लोगों के रहन सहन की मौजूदा सामाजिक स्थिति सोशल डिस्टेंसिंग की अवधारणा में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। एक अनुमान के अनुसार 21 दिवसीय लॉकडाउन के कारण भारत के कुल उत्पादन में 37% की कमियां आएगी, जो देश की कुल जीडीपी में 4% की कमी कर सकता है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान होने वाला आय का नुकसान आगामी कई तिमाहियों में आर्थिक गति को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक विकास दर में हो रही गिरावट भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी। बात करते हैं सरकार द्वारा घोषित उपाय। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा। सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना शुरू की गई है। इस बीमा योजना के तहत सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, सहायक स्वास्थ्य
कर्मी, टैक्सी टेक्नीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि सभी को शामिल किया जाएगा। कोविड 19 मरीजों का इलाज करते समय यदि किसी भी स्वास्थ्यकर्मी के साथ दुर्घटना होती है तो उसे योजना के तहत 50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, वेलनेस सेंटरों और केंद्र के साथ साथ राज्यों के अस्पतालों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत महामारी से लड़ रहे लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लाभ प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गरीबी परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत देश के लगभग 80 करोड़ व्यक्तियों, भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या को शामिल किया जाएगा। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को आगामी 3 माह के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले दोगुना अन्न मुफ्त प्रदान किया जाएगा। उपयुक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आगामी 3 महीने के लिए के दौरान क्षेत्रीय प्राथमिकता के अनुसार प्रत्येक परिवार को मुफ्त में 1 किलो दाल भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किसानों को लाभ क्या? सरकार की घोषणा के अनुसार वर्ष 2020-21 में देय 2000 रुपये की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के तहत खाते में डाल दी जाएगी। इसके तहत 7 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा। गरीब महिलाओं को लाभ, कुल 40 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों को आगामी 3 महीनों के दौरान प्रतिमाह 500 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। गैस सिलेंडर, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी 3 महीने में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों और विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकार अगले 3 महीने के दौरान भारत के लगभग 3 करोड़ वृद्ध, विधवाओं और दिव्यांग श्रेणी के लोगों को 1000 रुपये प्रदान करेगी। मनरेगा, पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूर में 20 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ने से प्रत्येक श्रमिक को 2000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। इसके तहत 62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए जमानत मुक्त ऋण देने की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी। फिर अन्य संबंधित घोषणाएं, कर्मचारी भविष्य निधि नियमों में संशोधन कर महामारी को भी उन कारणों में शामिल किया जाएगा जिसे ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को अपने खाते से कुल राशि के 75% का गैर वापसी योग्य अग्रिम या 3 माह का परिसमित इनमें से जो भी कम हो प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। ईपीएफ के तहत पंजीकृत 4 करोड़ कामगारों के परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकारों को देश के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की सहायता हेतु भवन एवं अन्य निर्माण कोष का उपयोग करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे। श्रमिकों को आर्थिक मुश्किलों से बचाने के लिए आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान किया जा सके। भवन एवं अन्य निर्माण कोष केंद्र सरकार के अधिनियम के तहत बनाया जाता है। याद रहे कि इस कोष में लगभग 3.5 करोड़ पंजीकृत श्रमिक हैं। सरकार द्वारा की गई घोषणाओं का प्रभाव क्या होगा? कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए 21 दिवसीय लॉकडाउन द्वारा देश के संवेदनशील वर्ग के लिए उत्पन्न संकट को कम करने की दिशा में सरकार द्वारा घोषित उक्त उपायों को एक बेहतर कदम के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों ने सरकार द्वारा घोषित इन उपायों को एक सहायता राशि से अधिक आम जनमानस को लाभ पहुंचाने के एक अभिनव तरीके के रूप में देखा है। उन उपायों में किसानों, महिलाओं और जनधन खाता धारकों से लेकर संगठित क्षेत्र के मजदूरों तक देश के तकरीबन सभी वर्गों को शामिल किया गया है। इसमें छोटे उद्यमों के लिए
प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के योगदान का भुगतान करने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है और यह खासकर उन व्यवसायों को राहत प्रदान करेगा जो लॉकडाउन के कारण अपने उत्पादन बंद करने को मजबूर हो गए हैं। आम लोगों को राहत प्रदान करने के सरकार के प्रयास प्रथम दृष्टया यथासंभव घाटे को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में प्रतीत होते हैं जो कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त है। उदाहरण के लिए अगर पीएम किसान योजना के तहत होने वाला हस्तांतरण पहले से ही बजट में शामिल है और मनरेगा मजदूरी में हो रही बढ़ोतरी को भी बजट में समायोजित किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा में बढ़ोतरी की घोषणा भी एक बेहतरीन उपाय है। अनुमान के अनुसार 5 वयस्क सदस्यों वाले एक सामान्य परिवार में प्रत्येक महीने 50 से 55 किलोग्राम अनाज और 4 से 5 किलोग्राम दाल का सेवन होता है। इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं? सरकार द्वारा 1.70 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की गई है जो देश की कुल जीडीपी का के 1% से भी कम है। इतनी कम राशि के साथ देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संभालना अपेक्षाकृत काफी मुश्किल है। भारत में योजनाओं के कार्यान्वयन के इतिहास को देखते हुए सरकार द्वारा घोषित इन योजनाओं के कार्यान्वयन की चिंता काफी स्पष्ट है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए यदि घोषित उपायों के उचित कार्यान्वयन में 84% देरी होती है तो यह आम लोगों के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। आंकड़ों के अनुसार देश के अंशतः वेतनभोगी लोग कर्मचारी भविष्य निधि नियमों के तहत पंजीकृत नहीं है और देश के अधिकांश श्रमिक भवन एवं अन्य निर्माण कोष के तहत भी पंजीकृत भी नहीं है, जिसके कारण इन लोगों को सरकार द्वारा घोषित उक्त घोषणाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जैसे शहरों में काम की तलाश में उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से आने वाले श्रमिक कोरोना वायरस और सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के डर से अपने अपने राज्य की ओर वापस जा रहे हैं, जिनके लिए सरकार द्वारा कोई विशेष घोषणा नहीं की गई। हालांकि कुछ एक राज्य में ने अपने श्रमिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी किए हैं। सरकार द्वारा घोषित उपायों में मध्यम वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया। सुझाव: कर्मचारी भविष्य निधि नियमों में संशोधन का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जिनकी आय 15,000 से कम है, किंतु कुछ विशेष विश्लेषकों के अनुसार इस राशि को 25,000 तक बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सरकार के खर्चे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि और अधिक वेतनभोगी लोगों को कवर किया जा सकेगा। इस प्रकार महिला जनधन खाता धारकों को प्रदान की जा रही राशि भी बढ़ाई जा सकती है। घोषित उपायों के अनुसार महिला जनधन खाता धारकों के खाते में आगामी 3 महीने के लिए प्रतिमाह 500 रुपये डालेगी। वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपने निर्धारित बजट के अंदर ही सभी उपाय करना चाहेगी, किंतु कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति की समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस प्रकार सरकार को कभी ना कभी अपने राजकोषीय घाटे की सीमा को तोड़ना होगा। लॉकडाउन के कारण बड़े और छोटे निगम भी प्रभावित हुए। आवश्यक है कि सरकार इन निगमों के लिए भी किसी भी विशेष प्रकार की पैकेज की घोषणा करे ताकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले आर्थिक मंदी से उबारने में योगदान दे सके। सरकार को देश के मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ प्रावधान करने चाहिए। भारत सहित विश्व के तमाम देश कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं और धीरे धीरे आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। इस आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौती को देखते हुए कई प्रकार के आर्थिक उपायों की घोषणा की गई। उदाहरण के लिए इस महीने अमेरिका ने कोरोना वायरस संचालित आर्थिक मंदी से निपटने के लिए $1 ट्रिलियन का प्रस्ताव किया था। इसके अलावा जर्मनी ने कोरोना वायरस से प्रभावित हुए कंपनियों को
राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 610 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की थी। इसी प्रकार कई अन्य देशों ने भी आर्थिक मोर्चे पर राहत प्रदान करने के लिए कई प्रकार के पैकेजों की घोषणा की। भारत सरकार द्वारा घोषित उपाय दैनिक आधार पर चुनौती का सामना कर रहे हैं, मजदूरों की दृष्टि से स्वागत योग्य। हालांकि कई विश्लेषकों का मत है कि सरकार द्वारा घोषित ये उपाय कोरोना वायरस संचालित आर्थिक मंदी से निपटने का केवल पहला कदम है और सरकार को दूसरे चरण के उपायों की घोषणा करनी आवश्यक है, जिसमें निगमों और मध्यम वर्ग को भी शामिल किया जाएगा। तो ये थी आपकी जो भारत सरकार की तरफ से राहत दी गई आप लोगों को, उसी से संबंधित प्रमुख आर्टिकल। ठीक है।